Hello students, good morning. I am Vatika Sinha. Welcome to Vatika English Classes. आज हम class 10th English के chapter Glimpses of India को discuss करेंगे, जिसका part 2 है. Chapter का नाम है कुर्ग. ये एक बहुत important chapter है 10th exam CBSE के लिए. मैंने पहले भी video upload किए हैं इस chapter के part 1 का, उसके लिए आप description box check कर सकते हैं, मैंने link mention कर दी है. आइए शुरू करते हैं चैप्टर कुर्ग. कुर्ग इज़ ए कॉफ़ी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस. कुर्ग एक कॉफ़ी के प्रदेश के नाम से जाना जाता है, जो कि रेन फॉरेस्ट और स्पाइसेस के लिए मशहूर है. रेन फॉरेस्ट का मतलब जहाँ पे वर्षा होते रहती है, और स्पाइसेस यानी कि मसाले और वर्षा के कारण ये प्रदेश जाना जाता है, जो कि कर्नाटका में स्थित है. Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. Mysore और Mangalore के जो तट वाले इलाके हैं, उसके बीच में बसा हुआ ये एक प्रदेश है जिसका नाम कुर्ग है. ये देखकर ऐसा लगता है जैसे कि भगवान ने स्वयं ही इसे एक राज्य को उत्पन्न किया है, एक जगह को उत्पन्न किया है जो कि स्वर्ग के बराबर नजर आता है. दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहैबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मेन, ब्यूटीफुल वीमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स. ये लैंड जो है वो ऐसा लगता है जैसे लुढ़कते आया हो, और जहाँ पर खूबसूरती अत्यंत है, मार्शल मेन युद्ध पुरुषों से, ब्यूटीफुल वीमेन खूबसूरत महिलाओं से, एंड वाइल्ड क्रिएचर्स. वाइल्ड क्रिएचर्स का मतलब होता है जंगली, वहाँ पर प्रजातियाँ जो भी पाई जाती है, उन सब से सजा हुआ है ये कुर्ग. कुर्ग और कडागु, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इज़ होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट्स, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस. कुर्ग या फिर कोडागु जिसको कहते हैं, वो कर्नाटका का सबसे छोटा जिला माना जाता है. ये रेन फॉरेस्ट, जैसा कि मैंने कहा, जहाँ पर सदाबहार वर्षा होने वाले जिले के रूप में, स्पाइसेस मसाले के रूप में, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए जाना जाता है. एक ऐसा प्रदेश जहाँ पर कॉफ़ी हमेशा पाई जाती है प्रचुर मात्रा में. एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग द मॉनसून. इट पोर्स इनफ टू कीप मेनी विजिटर्स अवे. हमेशा जहाँ पर वर्षा देखने को मिलती है, सदाबहार जहाँ वर्षा होते रहती है, इस जिले का 30% जो एरिया है वो इन्हीं सब चीज़ों से भरा पड़ा है. और मानसून के दिनों में, मतलब बारिश के समय में, जो वहाँ का जो इलाका होता है, वो विजिटर्स यानी जो दर्शक होते हैं, जो पर्यटक होते हैं, उससे खुद को दूर रखने के लिए काफ़ी है. इट मीन्स कि वहाँ इतनी ज़्यादा वर्षा होती है कि वहाँ पर जाना मुश्किल हो जाता है. द सीजन ऑफ जॉय कॉमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च. यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय जो माना जाता है, जब शुरुआत होती है, तो वो शुरू होता है सितंबर से, जो कि चलता है मार्च तक. इस बीच वहाँ की खूबसूरती देखने लायक होती है. द वेदर इज़ परफेक्ट विथ सम सावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर. वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, वो बहुत अच्छा है, परफेक्ट है. हमेशा वहाँ पे थोड़ी थोड़ी बारिश होती ही रहती है, जिसे हल्की बारिश का टिपटिपाना कहते हैं. सावर्स यानी वही होता है, हल्की हल्की फुहारों सी बारिश होती रहती है. द एयर ब्रेथ्स ऑफ इनवाइगोरेटिंग कॉफ़ी. वहाँ की जो भी हवा होती है, वो अपने आप में ऐसी महक होती है जिससे लगता है कि लोग कॉफ़ी का सेवन कर रहे हैं. बहुत एनर्जी बूस्टिंग वहाँ की हवा भी हमें महसूस होती है. कॉफ़ी ई एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनपीज इन प्राइम कॉर्नर. कॉफ़ी का वो प्रदेश और वहाँ के जो बंगले होते हैं, वो ऐसा लगता है जैसे सब तरफ से कॉफ़ी से ढके हुए हैं. वहाँ के जो कोर किनारे जो भी होते हैं, बंगलोज होते हैं, सब लगता है कि कॉफ़ी से ढके हुए हैं. द फायर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग और आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरबिक डिसेंट. वहाँ के जो स्वतंत्र फायर्सली का मतलब होता है उग्र स्वतंत्र जिसको कहते हैं, ओपन पर्सन जो होते हैं,
कुर्ग के जो होते हैं वो मोस्टली कहा जाता है कि ग्रीक के या फिर अरबिक डिसेंट से आए हुए लोग होते हैं। एज वन स्टोरी गोज एज पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलॉन्ग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर व्हेन रिटर्न बिकेम इनप्रैक्टिकल। कुछ कहानियों के अनुसार ऐसा माना जाता है, कुछ कहानियां वहां प्रचलित है जो कि कहती है कि उस जगह पर अलेक्जेंडर मतलब अलेक्जेंडर महान जो थे अलेक्जेंडर द ग्रेट उसके कुछ सेना के लोग साउथ में आए थे, अलोंग द कोस्ट मतलब कि कोस्ट के तरफ आए थे, वहाँ पे जो तट वाला इलाका है उधर की ओर आए थे और वो लोग वहीं पर बस गए थे क्योंकि वहाँ से उनका वापस जाना असंभव हो गया था, इम्प्रैक्टिकल हो गया था। दिस पीपल मैरिड अमॉन्ग्स द लोकल्स एंड देयर कल्चर इज अपेरेंट इन द मार्शल ट्रेडिशंस मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स। और उन लोगों ने वहीं के नेटिव्स वहीं के लोकल जो पर्संस थे उन लोगों से आपस में शादी कर ली थी और वहाँ का जो कल्चर था वहाँ की जो संस्कृति थी, कल्चर याद रखिएगा संस्कृति जो थी वो बिल्कुल देखने में ऐसी लगती थी जैसे मार्शल ट्रेडिशन हो, मैरिज हो, रिलीजियस राइट्स हो, उन लोगों का अपना एक चलन था जिस तरह से उन लोगों ने शादी की थी, विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेनस्ट्रीम, जो कि देखने में ही प्रतीत होता था कि हिंदू रीति रिवाजों से बिल्कुल भिन्न थी, हिंदुओं की जैसे शादी होती है उस रिवाजों से उनके मेनस्ट्रीम से बिल्कुल अलग थी। द थ्योरी ऑफ अरब ऑरिजिन ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट विथ एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वोन बाय द कोडावस वोन नोन एज कुपिया। उन लोगों की जो एक टिपिकल ड्रेस होती थी जैसे कमर में एक बेल्ट बांधना, चौड़ा सा एक बेल्ट बांधना जो कि एक पट्टी होती थी, वो कोडावस के द्वारा पहना जाता था जिसको कुपिया के नाम से जाना जाता था। इट रिजेंबल्स द खुफिया वोन बाय द अरब्स एंड द कुर्ड्स। ये याद दिलाती थी उस खुफिया मतलब वो ड्रेस के बारे में जो कि अरब के लोग और कुर्ड्स के लोग पहनते थे। तो ये काफ़ी रिलेटेबल था एक दूसरे से, जो ये पहनते थे अरब के लोग और जो कुर्ग के लोग पहनते थे। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वैलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। कुर्गी के घरों में ऐसा देखा जाता था कि वहाँ लोगों का अतिथि सत्कार एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया जाता था। उन लोगों में एक विशेष प्रकार की उमंग होती थी, किसी को हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है किसी का स्वागत करना, किसी का अतिथि सत्कार करना, उन लोगों में बहुत थी है। वो लोग को अपने घरों में अपने माता पिता की कहानियों को सुनाने में बहुत गर्व महसूस होता था, जैसे एक पीढ़ी के पहले के लोग के बारे में अपने आने वाले घर में लोग जो आते थे उनको अपने पहले पूर्वज की कहानियाँ सुनाने में बहुत फ़ख्र महसूस होता था, गर्व महसूस होता था क्योंकि वो वॉलेंटियर्स की तरह उन लोगों को देखते थे। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। कुर्ग रेजिमेंट जो है, कुर्ग की जो सेना के कुछ लोग हैं वो इंडियन आर्मी के सबसे खूबसूरत लोगों में माने जाते हैं, मतलब वो एक अलग रुतबा वहाँ पे उन लोगों का देखने को मिलता है। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वॉज अ कुर्गी। ये पॉइंट याद रखिएगा, इंडियन आर्मी में जो फर्स्ट चीफ थे जनरल करियप्पा वो एक कुर्गी थे। ये क्वेश्चन आ सकता है, जनरल करियप्पा जो कि इंडियन आर्मी के फर्स्ट चीफ थे वो एक कुर्गी थे, कुर्ग से बिलोंग करते थे। उन लोगों में बचपन से ही वॉलेंटियर जो थे या जो भी हम कह सकते हैं वो थोड़े उस विचारों वाले लोग थे। इवन नाउ कोडावस आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। और अब भी ये देखने को मिलता है कि कुर्ग के लोगों को, कोडावस जो होते हैं वो भारत में इकलौता ऐसा जगह है जहाँ पे लोगों को फायर आर्म्स रखने की परमिशन है विदाउट एनी लाइसेंस। आपको अगर अपने घरों में कुछ फायर आर्म्स रखने हैं या फिर उसको कैरी करना है तो उसके लिए आपको एक लाइसेंस की ज़रूरत होती है, लेकिन वहाँ पर अब भी ऐसा परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, दे कैन कैरी विदाउट एनी परमिशन ईजली। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट्स ऑफ कुर्ग। जो रिवर कावेरी जो है नदी वहाँ पे वहीं से वहाँ के पानी को लेती है, वहाँ के जो पहाड़ हैं वहाँ से पानियों को लेती है और कुर्ग के जंगलों से पानियों को लेकर कैरी करती है। महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दिस वाटर्स। महासीर जो कि एक बहुत बड़ी मछली है जो कि
स्वच्छ पानियों में पाई जाती है, फ्रेश वाटर में देखने को मिलती है, वो इसी जगह पर पाई जाती है। वहाँ के पानी में वो देखने को नदी में या जो भी रहा हो वहाँ पर देखने को मिलती है। किंगफिशर्स डाइव फॉर देयर कैच व्हाइल स्क्वायरल्स एंड लंगूर्स ड्रॉप पार्शियली ईटन फ्रूट फॉर द मिसचीफ ऑफ इंजॉइंग द स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर। जो किंगफिशर्स हैं वो पानियों में गोता लगाते हैं, पानियों में कूदते हैं अपने फन के लिए। स्क्वायरल्स यानी गिलहरी और जो लंगूर होते हैं, एप जिसको बोलते हैं, APEF जिसको बोलते हैं, वो सब क्या करते हैं कि अपने आधे खाए हुए फल को पानी में फेंकते हैं और वहाँ से जो आवाज़ आती है छप छप की, उसको वो काफ़ी इंजॉय करते हैं, वो उससे खेलते हैं। एलिफेंट्स इंजॉय बींग बाथ्ड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महावत्स। जो वहाँ हाथी होते हैं वो पानियों में वहाँ पर नहाते हैं, खुद को रगड़ते हैं, और उन लोगों को वहाँ बहुत अच्छा महसूस होता है अपने महावत के द्वारा। महावत जो हाथी चलाते हैं उनको कहा जाता है, उन लोगों के द्वारा वो वहाँ पे फन एलिमेंट क्रिएट करते हैं खुद के लिए। ये सब पॉइंट याद रखिएगा कि कौन से एनिमल्स का क्या वहाँ पे रोल है। जैसे किंगफिशर्स जो है वो डाइव करते हैं, स्क्वायरल्स एंड लंगूर जो है वो फल खा के फेंकते हैं, जो एलिफेंट्स है वो वहाँ पे नहाते हैं। तो ये सब पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में मिक्स्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विथ रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन। बाइकिंग, न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रेकर्स। वहाँ पे सबसे ज़्यादा आराम करने का तरीका है कि वहाँ पे रैपलिंग, कैनोइंग, इस सब गेमों को वहाँ पे शामिल किया गया है, जो कि फुल ऑफ एडवेंचर है। जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ के कॉफ़ी का भी जो स्वाद होता है, वहाँ पे हवा भी ऐसी बहती है जो कि आपको मोर एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो वहाँ के जो गेम्स होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं, रिवर राफ्टिंग हो गए, रैपलिंग हो गए, कैनोइंग हो गए। इन सब का मतलब होता है कि नदी में जो नाव को खेते हैं, नाव को आगे बढ़ाते हैं, या फिर बाइक राइडिंग हो गई, सवारी जिसको कहते हैं बाइक पर, वो हो गया। ट्रेकिंग पहाड़ पर चढ़ना हो गया, पहाड़ पे बाइक को चलाना हो गया, ये सब उन लोगों को आराम प्रोवाइड करता था, उन लोगों को आराम देता था। वहाँ पर ऐसे ही गेम्स को शामिल किया गया था। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रेकर्स। वहाँ पे बहुत सारी कहानियाँ जो है वो ट्रेकर्स के बारे में है। वहाँ पे ट्रेकिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट गेम होता था, वही पहाड़ पर चढ़ाई हो गई, इन सब फुल ऑफ एडवेंचरस लाइफ वो लोग इंजॉय करते हैं कुर्ग में। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। वहाँ पे चिड़िया, मधुमक्खियाँ, तितली, ये सब आपको कंपनी देने के लिए काफ़ी हैं। कंपनी का मतलब होता है आपके साथी के रूप में काम करती हैं, वो करते हैं वो लोग, आपको इंजॉयमेंट प्रोवाइड कराते हैं। मैकेज, मलाबार स्क्वायरल्स, लंगूर एंड स्प्लेंडर लोरिस कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। इन सब एनिमल्स का नाम याद रखिएगा, मैकोज, मालाबार स्क्वायरल्स, लंगूर, स्लेंडर लॉरिस, ये सब जो है ट्री कैनपी का मतलब होता है दो पेड़ों के बीच में जो जगह बनाई गई रहती है, या पेड़ की जो ऊंचाई रहती है वहाँ से ये अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं, वहाँ से वो नीचे झांकते रहते हैं। तो वहाँ पर सब जो जानवर हैं, जो भी एनिमल्स हैं, उनकी अपनी अपनी स्टोरी है कि कुछ ये काम कर रहे होते हैं, कुछ दूसरे काम में लगे हुए होते हैं। तो ये सारे टर्म्स याद रखिएगा। आई डू However, prefer to step aside for wild animals. मैं तो कोशिश करता हूँ कि कैसे भी करके इन सब जानवरों से खुद से दूरी बनाए रखूँ। It means कि wild animals at the end वो wild animals ही हैं, तो उनसे वो दूरी बना कर रखना चाहते हैं। The climb to the Brahmagiri hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Kurg. ब्रह्मगिरी हिल्स के पे चढ़ाई करने में आपको जो वहाँ से व्यू दिखेगा पूरे कुर्ग का, जो भी धरातल वहाँ से है, ब्रह्मगिरी हिल्स पर चढ़ने के बाद जो भी आपको धरातल दिखता है, वहाँ से जो धरती दिखती है, वो बहुत ही अत्यंत खूबसूरत दृश्य होती है, बहुत सुहाने दृश्य को वो लोग प्रकट करते हैं। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 acre आइलैंड ऑफ निशारधमा। एक रस्सी से बना हुआ ब्रिज है, जैसे एक ब्रिज होता है दो जगह को, दो पॉइंट्स को जोड़ता है, वहाँ 60 acre आइलैंड
वहाँ से एक जगह से दूसरे जगह पे जो जोड़ता है वो भी बहुत खूबसूरत देखने को लगता है। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट, रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट एट नियर बाय बाइलेक्युपे इज अ बोनस। बाइलेक्युपे के पास जो इंडिया का सबसे बड़ा तिब्बतियन सेटलमेंट है जहाँ पर वो रहते हैं, वहाँ से गुजरने पर अगर किसी बुद्धिस्ट मॉन्क्स यानी कि बुद्ध संतों से, बुद्ध सन्यासियों से हमारी मुलाकात हो जाए तो ये एक बहुत सौभाग्य की बात है। बोनस का मतलब होता है एक्स्ट्रा पॉइंट, मतलब लाइफ में कुछ एडिशनल का आना, कुछ सौभाग्य की बात होना। द मॉन्क्स इन रेड ओक्रे एंड येलो रॉब्स आर अमंगस्ट द मेनी सरप्राइजेस डैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाई विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हियर इन कुर्ग। ओक्रे मतलब होता है गेरुआ, याद रखिएगा कुछ यूनिक टर्म्स यूज हुए हैं, जैसे रेड येलो तो आप रूबरू होंगे, लेकिन जो सन्यासी लाल कपड़े गेरुए वस्त्र या फिर येलो पीले वस्त्र पहनते हों वो उन आश्चर्यों में या फिर उन सरप्राइजेस में शामिल होते हैं जिसको बाहर से लोग, बाहर से विजिटर्स पर्यटक खोजने भारत आते हैं, जो कि जिनको भारत में भारत की आत्मा या भारत की हृदय माना जाता है, जो कि सैलानी देखने आते हैं यहाँ पर, उन लोगों को ऐसे रूप में देखते हैं, कभी वो लाल कपड़े कभी गेरुए वस्त्र या पीले वस्त्रों में से अपने शरीर को ढकते हैं, जिसे कि रॉब्स कहा जाता है, यानी उन लोगों का जो परिधान होता है उन लोगों को रॉब्स कहा जाता है। राइट हियर इन कुर्ग, अब भी कुर्ग में ऐसा होता है। तो ये बुद्धिस्ट मॉन्क्स के बारे में यहाँ पे थोड़ी चर्चा हुई है, इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट टर्म्स है, एग्जाम में आ सकता है। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।